बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसके बाद से रमेश बिधूड़ी की राजनीतिक गलियारों में काफी आलोचना की जा रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सभा मुखिया ने कहा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है, साथ ही उन्होंने संसद और संविधान के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई। बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित टिप्पणी और गाली गलौज को लेकर अखिलेश यादव ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों को हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों के छूट से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए और ताउम्र की पाबंदी भी लगे। वहीं सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और असली चेहरा कल संसद में सबके सामने आ गया। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और भाषा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार असली चेहरा वो कल संसद में सामने आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा बसपा के एक सांसद को जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और भाषा है? दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर आप भी कुछ दावा है? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई हो।